तो तीन स्टॉक्स खासतौर पर राकेश चुन के लेके हैं, काबिरी सीट्स खरीदारी करने की सलाह दें, उनको लगता है कि पास है तो खरीदारी कीजिए, होल्ड कीजिए, 480 रुपये तक का लक्ष्य मान के चल रहे हैं। टाटा ग्लोबल पर उनका राय है कि अगर 116 रुपये का आपको इसमें स्टॉपर्स लगाना है, अगर ये शेयर 123 रुपये के ऊपर बंद होता है तो तेजी और बढ़ सकती है, फिर 133-135 के जोन तक जाता हुआ दिख सकता है। और बीपी से उनको लगता है कि 970 रुपये का आपको इसमें स्टॉपर्स लगाना है, खरीदारी के चलिए 1050 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है, हालांकि बहुत तेजी से शेयर में तेजी देखने को, 1085 तक का लक्ष्य वो मान के चल रहे हैं। कुछ स्टॉक्स देखिए, खासतौर पे बैंकिंग स्टॉक्स में हम देख रहे हैं काफी तेजी देखने को मिली है। इंडसइंड बैंक आज देखिए वहां एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है, डीएलएफ में मजबूती है थोड़ी, अजमेरा रियल्टी, इन तीनों शेयरों पे क्या राय होगी आपकी, इंडसइंड बैंक, डीएलएफ और अजमेरा रियल्टी? देखिए इंडसइंड बैंक काफी प्रॉमिसिंग मनीष टेक्निकल स्ट्रक्चर है, जब पिछले दो दिन में निफ्टी एक साइडवेज जोन में करेक्शन दिखा रहा था, इंडसइंड बैंक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था, कल के आधे घंटे में इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, मौजूदा स्तरों पे एक अच्छा टेक्निकल बाय है, 1096 के स्टॉप लॉस के साथ 1165 के टारगेट के लिए। डीएलएफ में आप देखें तो काफ़ी प्रॉमिसिंग टेक्निकल स्ट्रक्चर है, 126 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 140 के लक्ष्य के लिए इसको बाय करना चाहिए। अजमेरा रियलिटी अगर आप देखें तो एक मोमेंटम काउंटर है, टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी प्रॉमिसिंग है, नीचे में स्टॉक ने 160 के अराउंड एक अच्छा बेस बनाया हुआ है और मुझे लगता है इस स्टॉक के अंदर 184-185 के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो अजमेरा रियल्टी, डीएलएफ, इंडसइंड बैंक और एक शेयर जो पसंद है अजमेरा रियल्टी, मुझे लगता है कि 184 तक अलग से देखने को मिल सकता है। लेकिन अपोलो हॉस्पिटल देखिए, कहीं ना कहीं कंपनी से जुड़ी है कि निगेटिव खबर आती हुई दिख रही है, खबर ये आ रही है कि अपोलो हॉस्पिटल में जो है कहीं ना कहीं किडनी रैकेट का दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है, शेयर देखिए करीब 1.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ सहयोगी मेरे संतोष जुड़ चुके हैं। संतोष, एक बड़ी खबर आती हुई दिखी है, जिस तरह से एक ब्रांडेड हॉस्पिटल पे इस तरह का आरोप लगता हुआ दिखा है, दिल्ली पुलिस ने इतना बड़ा भंडाफोड़ किया है, क्या है पूरी खबर? जी हाँ, देखिए ये बिल्कुल खबर चौंकाने वाली है, क्योंकि किडनी का रैकेट वो भी देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल में से एक हॉस्पिटल अपोलो हॉस्पिटल में चल रहा था और इसमें दो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, अपोलो हॉस्पिटल के दो कर्मचारी गिरफ्तार हैं, साथ में जो मास्टरमाइंड था और जो इसका जो जाल था, जाल देश के कई राज्यों तक फैला हुआ था, पश्चिम बंगाल के हैं ये आरोपी जो मास्टरमाइंड पकड़ा गया है, और यहाँ पर जो आरोपी है, मास्टरमाइंड है, वो अपनी ही पत्नी को लेकर आया था और उसको ये कहा था कि 5 लाख रुपए में तुम्हारी किडनी हम देंगे, लेकिन उसको 25,000 रुपए मिले थे बस। तो इसी पैसे की लेन देन में उस महिला को जब पैसे नहीं मिले, उसके बाद पुलिस में गई महिला, और उसके बाद पुलिस ने जब जांच किया तो उसके बाद पता चला कि अपोलो हॉस्पिटल के कर्मचारी इसमें शामिल थे और दलालों के साथ इनकी मिलीभगत थी, और उन्हीं की वजह से जो लोग यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए आते थे उनको मोटी रकम देनी पड़ती थी। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि दलालों की मिलीभगत से अपोलो हॉस्पिटल में किडनी का रैकेट चल रहा था, जिसको कि दिल्ली पुलिस ने पर्दाफाश किया है और कुल मिलाकर 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है। और अभी जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक दिल्ली के इस एक बड़े हॉस्पिटल के एक बड़े डॉक्टर से पूछताछ की जा रही है और शक के दायरे में कई और हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव भी शामिल हैं। जी, तो जिस आपने जो बताया कि बड़े डॉक्टर से पूछताछ की जा रही है, करीब 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई, मुझे लगता है कि जिस तरह से मामला आगे बढ़ेगा कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती है इस मामले में। जी हाँ बिल्कुल, अभी इसमें कई गिरफ्तारियां होंगी, और क्योंकि जो जिस तरीके से पूरा नेक्सस चल रहा था उसमें अधिकारियों की, हॉस्पिटल की मिली भगत के बिना यह संभव ही नहीं था, क्योंकि जब भी किसी को किडनी की जरूरत होती है तो हॉस्पिटल को हॉस्पिटल में इसके बड़े अधिकारियों को इसकी इस बार जानकारी होती, साथ में जो पेशेंट जिसका इलाज चल रहा होता है उससे एक मोटी रकम हॉस्पिटल को जाती है, और इस किडनी के बदले में भी उसको एक मोटी रकम हॉस्पिटल को जाती थी, जबकि इसे 5 लाख रुपए की बताया जाता था दलाल को, और दलाल उसके नीचे बेचता था। तो पूरा नेक्सस अगले कुछ दिनों में खुलासा हो जाएगा, और साथ में 3 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, तो ये भी देखना पड़ेगा 5 लोगों के अलावा और जो डिटेन किया अभी जिससे पूछताछ की जा रही है क्या उस डॉक्टर की भी गिरफ्तारी होती है, लेकिन फिलहाल अभी 3 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा। जी संतोष, इस खबर पर आप नजर बना रखिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें आप निश्चित रूप से होंगे, उसके बाद और निकल के आया कि इसमें क्या क्या और कौन कौन इसमें शामिल था। लेकिन शेयर देखिए, अपोलो हॉस्पिटल दिन के निचले स्तर के आसपास ट्रेड करा, करीब 2% की गिरावट देखने को मिली, दिन के 2.5% के आसपास की गिरावट के साथ दिन के निचले स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। राकेश, क्या रहा होगा अपोलो हॉस्पिटल पे? देखिए अपोलो हॉस्पिटल में एक अच्छी रैली देखने को मिली थी, स्टॉक एक ब्रेकआउट के कगार में था और इस खबर के चलते स्टॉक में शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे एक रिवर्सल बना है। किसी के पास पोजीशन है तो निकल जाना चाहिए। मनीष, जब ये स्टोरी ब्रेक करी थी तो ये स्टॉक 1390 के ऊपर चल रहा था और देखते देखते 25-30 रुपए का गिरावट इमीडिएटली देखने को मिल रही है, तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अगर किसी की ट्रेडिंग के नजरिए से लॉन्ग पोजीशन है तो उसको अनवाइंड करना चाहिए। तो लॉन्ग पोजीशन तो एक बार निकली, कहीं ना कहीं शेयर में जो है डाउनसाइड काफी ज्यादा देखने को मिला, करीब 2.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली।